असलकुम दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी जो है रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो इसको हम जो है आपको जो है बताने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बन रहे तो दोस्तों ये जो रिश्ता है आज के आपके लिए जो है मैं लेकर आया हूँ ये उन जो है दोस्तों के लिए है मर्द हजरात के लिए है जिनकी उम्र पैंतालीस साल तक हो यानी कि पैंतालीस साल से ज़्यादा ना हो और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों तो रिश्ता जो है वो आप ज़रा सुन लें ये जो ख़ातून है हमारी बहन इनकी उम्र है इस वक्त थर्टी फोर ईयर्स चौंतीस साल चौंतीस साल इनकी उम्र है और ये एक मुसलमान घराने से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ये एक तलाक़ याफ़्ता लड़की है तो इनका जो नाम है नूरिन बीबी जो है इनका नाम है तकरीबन डेढ़ साल या जो है यानी कि एक साल से ज्यादा का हो गया तकरीबन डेढ़ साल का इनकी जो है तलाक को हो चुका है नौरीन जो है इनकी एक बेटी है और एक बेटा दो तो बच्चे हैं दोनों बच्चे इनके पहले शहर के पास ही रहते हैं तो इसके अलावा नूरिन जो हैं ख़ूबसूरत हैं अच्छी फैमिली से हैं इनकी तालीम जो है ये मैट्रिक पास हैं और इस वक्त जो है ये नूरिन अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर सिटी के करीब जो है गांव में रहती हैं तो यानी कि गांव के रहने वाली हैं अच्छी फैमिली से हैं काफी अच्छे जो हैं लोग हैं ये खानदानी लोग हैं मुसलमान हैं फिर का सुन्नी है और जो इनकी कास्ट है यानी कि जो ज़ात बरदरी है इनकी ये आराई फैमिली से हैं आराई फैमिली से इनका ताल्लुक है तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र पैंतालीस साल तक हो और वो पहली दूसरी या तीसरी भी शादी करना चाहते हों लेकिन शर्त ये है कि लड़का जो है या तो यानी कि कमारा हो या फिर जो है रंडवा हो या तलाक़ याफ्ता हो यानी कि अपनी बीवी को छोड़ चुका हो वो जो है इनसे रबता कर सकते हैं तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हैं इनसे रबता करना शादी के बाद बात करना तो वो बर मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसी के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें हम इन श्ला बहुत जल्द आपसे राबता कर लेंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा तो इसी के साथ हम इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़